आरक्षण पर सबसे बड़ा बवाल 29 साल पहले तब मचा था जब केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण का ऐलान किया था। उस फैसले ने देश की राजनीति बदल दी। मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति शुरू हुई तो पिछड़ों और दलितों की सत्ता में दखल और पैठ भी बढ़ी। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। अगस्त 1990 दिल्ली के माहौल में बरसात वाली उमस थी, लेकिन इससे ज्यादा अगड़ी जातियों के नौजवानों के आक्रोश की गर्मी। केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसके तहत अन्य पिछड़े वर्ग के नौजवानों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की बात थी। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में इसका ऐलान किया तो देश जाति की उन्मादी आग में झुलसने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। उस समय तक सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को 15% और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7.5% आरक्षण की सुविधा थी। उस पर से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का मतलब था कि यह आरक्षण 49.5% तक पहुंच गया, जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई 50% की सीमा रेखा के करीब तक पहुंच गया। वीपी सिंह के इस फैसले के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी। सरकार चाहे जो दुहाई दे रही थी, लेकिन समाज के अगड़े तबके के नौजवानों और लोगों के धधकते अरमान सड़कों पर मरने मारने की कस्में खाने लगे। जलाएंगे, बस जलाएंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है, और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा। आखिर नहीं तो रहेंगे हम लोग, जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे, और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। सिर्फ दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर BHU तक 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों में अगड़ी जातियों के छात्र सड़कों पर उतर आए। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस इन पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस स्कॉर्ट करके ले जाती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही MPs हमारे साथ है, ना ही MLAs हमारे साथ है, तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। जगह जगह पुलिस की लाठियां चली, सड़कों पर चीतकार और उबाल अपना लाल रंग दिखाने लगा, जाति अपना निर्मम रूप दिखाने लगी, लेकिन इससे ज्यादा इस मुद्दे पर देश की राजनीति सुलगने लगी। ये सही है कि 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनता दल के घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा था, लेकिन जनता दल सरकार में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ उप प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त देवीलाल ने मोर्चा खोल दिया, और देवीलाल को हवा दे रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो 9 महीने पहले ही वीपी सिंह और देवीलाल के सियासी धोखे के शिकार हुए। वीपी सिंह हैड नो माइंड इन इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वाज रिकमेंडेड इन मंडल कमीशन। वीपी सिंह ओनली वांटेड टू यूज इट एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट टू बीट देवीलाल। देवीलाल वीपी सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली करने जा रहे थे। वीपी सिंह को उनके बेहद करीब आ चुके शरद यादव ने सलाह दी कि क्यों नहीं मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर दिया जाए। रामविलास पासवान समेत कई नेता इसके पक्ष में थे, अपर कास्ट के हैं, और वो मंडल कमीशन को लागू करवाएंगे तो उस पर इतना बड़ा रिएक्शन होगा, ये दिमाग में नहीं था। उस समय हमने अगुवाई करके प्रधानमंत्री से बात कही कि ये मैनिफेस्टो में भी है, 2 मैनिफेस्टो आ चुका है, इसको लागू करिए, और इस तरह से वो लागू हुआ।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वीपी ने सियासी जोड़ घटाव भी ठीक कर लिया। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दे चुके थे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान कर चुके थे और अब आरक्षण से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश। चुनावी गणित में वीपी सिंह का यह हिसाब काम नहीं आया, लेकिन वीपी के फैसले ने देश की राजनीति बदल दी। पिछड़ों की बेहतरी के इस कदम ने अगड़ों की नजर में उन्हें खलनायक बना दिया। I'm not a villain in the backward class. I'm not a villain in the scheduled caste. They have very good feelings for me. Where am I a villain for? Majority, I'm not. And because upper caste thinks their world is the nation and their world is all. And therefore, anybody who's good or bad is that's the end of the world. पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की गूंज सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ी। उस वक्त दोनों राज्य बटे नहीं थे, लिहाजा वहाँ से लोकसभा के लिए 139 सीटें आती थी, यानी लोकसभा की कुल सीटों की एक तिहाई। यानी दोनों राज्य ये तय करने का दमखम रखते थे कि दिल्ली पर राज कौन करेगा। इसीलिए आरक्षण का फायदा पाने वालों ने वीपी की जय जयकार शुरू की तो अगड़ी जातियों ने विरोध का आंदोलन। इस प्रोग्राम से ये साबित कर रहे हैं कि दिल्ली में आंदोलन दब चुका है, इसमें तेजी आना चाहते हैं आंदोलन में, दिल्ली में फिर से शुरू हो चुका है। पिछड़ों को आरक्षण ने देश की राजनीति को बदल दिया। दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच से नया नेतृत्व उभरा। उस फैसले के छठे साल में हिंदुस्तान को पहली बार एक पिछड़ा प्रधानमंत्री मिला देवेगौड़ा के रूप में, और सातवें साल में एक दलित राष्ट्रपति केआर नारायणन ने शपथ ली। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद आरक्षण पर राजनीति तेज हुई। किसी ने मंडल आयोग का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसके जवाब में कमंडल आया और उससे भी ज्यादा आरक्षण पर आरक्षण की नई परंपरा पड़ गई।